नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर मैं आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं और आपने अपना घर बनाते समय पानी का अंडरग्राउंड वाटर टैंक, जिसकी बिल्डिंग बनाने में सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है, उस पानी के टैंक को आप जाने अनजाने में अपने घर के, अपने प्लॉट के साउथ वेस्ट जोन में यहाँ पर बना लेते हैं। तो ऐसे में वास्तुशास्त्र के अनुसार इस बिल्डिंग में किस तरह की दिक्कत आती है, आज मैं आपको उसके बारे में खास बातें बताना चाहूँगा। मैं हमेशा ही वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की खास बातें आपको बताते रहता हूँ। जो भी बिल्डिंग बन रही है और आपने साउथ वेस्ट में यानी नैऋत्य कोने में, दक्षिण पश्चिम के कोने में पानी का अंडरग्राउंड टैंक बनाया है, तो ये मान के चलिए कि आपकी बिल्डिंग समय पे पूरी नहीं होगी। आपको अपने बिल्डिंग बनाने में बार बार दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कत आपकी फाइनेंशियली भी हो सकती है, लेबर की तरफ से भी हो सकती है, ठेकेदार की तरफ से भी हो सकती है, और डिपार्टमेंट की तरफ से भी हो सकती है, और आपकी अपनी पर्सनल फैमिली की तरफ से भी हो सकती है। क्योंकि साउथ वेस्ट में जब भी पानी का अंडरग्राउंड टैंक आ जाता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की गहराई आ जाती है, तो बिल्डिंग में बार बार काम रुकने के कारण बनते हैं। जब बिल्डिंग बनाते हैं तो कुछ जगह ऐसा भी देखने में आता है, बिल्डिंग बनानी शुरू की, आधा स्ट्रक्चर बीच में ही खड़ा रह जाता है, वो पूरी होने में नहीं आती। कुछ जगह ऐसा भी देखने में आता है, क्योंकि जहां साउथ वेस्ट में पानी का अंडरग्राउंड टैंक या सबमर्सिबल लग जाता है या किसी भी प्रकार की गहराई हो जाती है, तो उस घर के अंदर रहने वाले मालिक को, मुखिया को, हेल्थ इश्यूज़ भी बन सकते हैं और अकाल मृत्यु होने के कारण भी बन सकते हैं। साउथ वेस्ट जोन घर के मालिक का स्थान भी होता है और साउथ वेस्ट जोन हमारे घर के पितरों का भी स्थान होता है, और गलती से हम उसमें गहराई कर देते हैं, निचाई कर देते हैं, तो उसके कारण घर के मुखिया की अकाल मृत्यु होने के कारण भी बन सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको अपनी बिल्डिंग बनाते समय सबसे पहले साउथ वेस्ट में किसी भी प्रकार की कोई गहराई नहीं करनी है। आपकी बिल्डिंग बन रही है और उसमें जो काम चल रहा है वो काफ़ी स्लो चल रहा है या बार बार रुक जाता है, आप बड़ी मुश्किल से उसको शुरू करते हैं और फिर दोबारा से वो रुक जाता है, ऐसी परेशानी आ रही है, तो भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप साउथ वेस्ट के पानी के अंडरग्राउंड टैंक को बंद करें। घर के ओनर को हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो भी मैं आपको कहूँगा कि साउथ वेस्ट के अंडरग्राउंड वाटर टैंक को बंद ज़रूर करें। आप ये कच्चा लालच बिल्कुल भी ना करें। मैंने खूब देखा है, जो व्यक्ति ऐसे घर में रह रहे हैं जिस घर के साउथ वेस्ट में पानी का अंडरग्राउंड टैंक है, ऐसी जगह घर के मालिक परेशान रहते हैं। कुछ जगह ऐसा भी देखने में आता है कि घर के मालिक की मृत्यु समय से पहले हो गई। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में कभी भी पानी का अंडरग्राउंड टैंक ना बनाएं। नई बिल्डिंग बना रहे हैं तो भी आपको पानी का अंडरग्राउंड टैंक साउथ वेस्ट कॉर्नर में नहीं बनाना है। आपको अपनी बिल्डिंग पूरी करनी है, समय पे पूरी करनी है और बिना परेशानी के पूरी करनी है, तो आप अपने प्लॉट के, अपने बिल्डिंग के नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर यहाँ पर पानी का अंडरग्राउंड टैंक बनाएं, या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर पानी का अंडरग्राउंड टैंक बनाएं, या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर पानी का अंडरग्राउंड टैंक बनाएंगे, तो मेरा अपना मानना है कि आपकी बिल्डिंग समय से पहले पूरी हो जाएगी। बिना परेशानी के, बिना किसी रुकावट के आपकी बिल्डिंग पूरी हो जाएगी। मैं हमेशा ही आपको वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की खास बातें बताता रहता हूँ। साउथ वेस्ट की बोरिंग, साउथ वेस्ट में गहराई, गहराई किसी भी रूप में हो सकती है, और साउथ वेस्ट में फर्श की ढलान हमेशा ही ऐसे घर में रहने वाले लोगों के लिए परेशानी पैदा करता है। आप नोट कीजिए, जिस व्यक्ति की
फर्श की ढलान नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर है, या पानी का अंडरग्राउंड टैंक साउथ वेस्ट में बना हुआ है, या साउथ वेस्ट में आपने बोरवेल लगाया हुआ है, सबमर्सिबल लगाया हुआ है, या साउथ वेस्ट आपने ओपन रख के इस हिस्से को नीचा रखा हुआ है, तो आप नोट कीजिएगा कि आपके यहाँ किस तरह की समस्याएँ आ रही है। तो आपको पता चलेगा कि साउथ वेस्ट में यानी नैऋत्य कोने के नेगेटिव इफेक्ट किस प्रकार से आपके ऊपर हावी होते हैं। मैंने जो आपको अपनी इस वीडियो में जानकारी दी है, आपको लगता है कि बंसल जी द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी सही है और आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं, आपको कहीं से कहीं तक कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो आप इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करें। ऐसा करने से आपको रिलीफ मिलता चला जाएगा। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन सिस्टम बनते चले जाएंगे, आपके घर के अंदर दोबारा से प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाएगी। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लगता है सही है तो आप मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप पर ज़रूर शेयर करें। हो सकता है मेरी यह वीडियो आपके फैमिली में फ्रेंड्स में किसी के काम आ जाए। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 450+ वीडियो अपलोड की हुई है, आप मेरी वो सभी वीडियो भी देखकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, फ्लोर लेवल के बारे में भी वीडियो बनाई हुई है, फर्श के ऊंचे होने के बारे में भी वीडियो बनाई है, मैंने अलग अलग विषयों पर वीडियो बनाई है, जैसे कंपाउंड वॉल के बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार कंपाउंड वॉल किस प्रकार से होनी चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और मैंने बहुत सारी अलग अलग दुकानों पर फैक्ट्री के बारे में, शोरूम के बारे में, वेयर हाउस के बारे में भी वीडियोस बनाई है। आप मेरी वो वीडियो देखकर अपने काम को भी सही कर सकते हैं। आपका अपना ऑफिस है तो ऑफिस में आपकी अपनी सीटिंग कहाँ होनी चाहिए, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, आपका ऑफिस का फेस कौन सी दिशा में है, किस प्रकार से आपको अपने ऑफिस में बैठना चाहिए, स्टाफ को आपके ऑफिस में कहाँ बैठना चाहिए, इन सभी के बारे में मैंने डिटेल से बताया है। आप मेरे उन सभी वीडियो को भी देखकर अपनी समस्याओं का समाधान खुद भी कर सकते हैं। आप हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं, और आप हमें अपने यहाँ पर साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेंगी, पेड रहेंगी। आप हमारी पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारी यह पुस्तक भी मंगवा सकते हैं। हमारी यह पुस्तक आपकी बिल्डिंग को वास्तु दोष मुक्त बनाने में सहायक जरूर होगी। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।